अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आपकी नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज तीसरा रमज़ान है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मुकद्दस महीना को हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बख्शिश का जरिया बनाए। दोस्तों, आज मैं काफ़ी खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। क्यों? क्योंकि शहाब भाई का फाइनली इराक़ का सफ़र कम्प्लीट हो चुका है और वह सऊदी अरबिया एंटर हो चुके हैं। आप कहेंगे कि अभी तो शहाब भाई कुवैत भी नहीं पहुंचे, सऊदी अरबिया कैसे एंटर हो गए? तो जी हां, यही हकीकत है, यही रियलिटी है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं शहाब भाई की जुबानी कि वो अभी कहां पर है, उन्होंने इराक का सफर कंप्लीट किया या नहीं, वो सऊदी अरबिया एंटर हुए या नहीं, बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले कल का सवाल का जवाब सुन लीजिए। सवाल बहुत ही प्यारा था कि अपने हबीब प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कितनी मर्तबा चाक किया गया था और किस वजह से चाक किया गया था। सबसे पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो चाक किया गया था वो 3 साल की उम्र में किया गया था, ताकि खेल कूद और तफूलियत का शौक और रगबत जो है वो दिल से निकल जाए। नंबर 2, जंगल में 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था, ताकि शबाब की कुव्वते शहवानिया और गज़ब ख़त्म हो जाए। नंबर 3, तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो चाक किया गया था वो गारे हिरा में किया गया था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वही खुदावंदी के अनवारो बरकात बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो जाए। और दोस्तों, चौथी मरतबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था वो मेराज की रात, ताकि आपके कल्ब मुबारक में आलम मलकूती की सैर, आलम अरवाह और उनकी तजल्लियात और चमकते हुए अनवार का मुशाहिदा करने की कुव्वत पैदा हो जाए, जिनके देखने से दिल में वहशत आ जाती है। तो दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक चाक करने की वजह है। 4-4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक हुआ और वजह यही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शहाब भाई कैसे सऊदी अरबिया पहुंच गए। तो जी हां, आज ही की डेट में, आज है 26 मार्च 2023, आज शहाब भाई ने रोजे की हालत में सफर करते हुए सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं। दोस्तों, एक बॉर्डर है इराक और सऊदी अरबिया के दरमियान, अरर बॉर्डर, वहां से होते हुए शहाब भाई ने आज अपना सफर इराक का कंप्लीट किया और वो इराक पहुंच और वो सऊदी अरबिया पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है, शहाब भाई यही कह रहे हैं कि अरर बॉर्डर होते हुए आज हम सऊदी अरबिया पहुंचेंगे। तो पहले सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहाब भाई, मैं अभी इराक में, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा, आपका दुआ में अच्छा चलते। अभी इराक सऊदी बॉर्डर, एक बॉर्डर है अरार बॉर्डर, अरार बॉर्डर में जाने के लिए मैं रेडी, आज मैं सफ़र शुरू किया। दोस्तों, आपने सुन लिया, शहाब भाई काफ़ी खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों की हमारी दुआएं अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया और हमें हर जगह से परमिशन मिल चुकी है, गोया हम सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्तों, उन्होंने अभी भी यही कहा है कि हमारे लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को, इस जर्नी को आसान बनाए और हम अपना ड्रीम ख्वाब पूरा कर सकें। मेरे दोस्तों, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके लिए दुआएँ करें, खूब उनके लिए दुआएँ करें। रमज़ान का ये मुबारक महीना इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर दुआ कबूल होगी। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके सफर को आसान इजी बना दे। और दोस्तों, जो लोग भी मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ज़ियारत करने की तड़प है दिल में, अल्लाह पाक उनको भी वहां तक पहुंचाया और उन का ख्वाब भी मुकम्मल फरमाए, उनकी ड्रीम को भी पूरा फरमाए। मेरे दोस्तों, जितने लोग भी जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक सब की मुरादें पूरी फरमाए। दोस्तों, अभी तो शहाब भाई सऊदी अरबिया पहुंच गए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आती है। तब तक के लिए अपना ख्याल, अपने रिश्तेदारों का ख्याल और शहाब भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।